शरीर को अपने आप में अनुष्ठान और भावना को राम भावित करने का अवसर प्राप्त है। हम भाग्यशाली हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के श्री चरणों के चिंतन में, वो पद हैं, वो चरण ऐसे हैं कि जिनका चिंतन मात्र हमारे बुद्धि को निर्मल पवित्र कर देता है। निर्मल मति, जहां द्वेष नहीं, आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, जहां दैविक निष्ठा है लेकिन सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं। निर्मल बुद्धि किसको कहते हैं? निर्मल बुद्धि का स्वामी कौन होता है? और निर्मल बुद्धि जिसने धारण की है उसका लक्षण क्या है? जिसके पास निर्मल बुद्धि है उसके चिंतन में सात्विकता है, उसके चिंतन में परमार्थ है, उसके चिंतन में परोपकार है, उसके चिंतन में सेवा है, उसके चिंतन में देने की भावना है, उसके चिंतन में ईश्वर है, ईश्वरीय सत्ता है, उसके चिंतन में पदार्थ नहीं परमात्मा है, उसके चिंतन में वासना नहीं प्रार्थना है, उसके चिंतन में जगत नहीं जगदीश्वर है, और जिसके चिंतन में सत्य है, रित्य है, आनंद है, वही कौन सी बुद्धि है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाऊं, तासों कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति, क्या खोया क्या पाया नहीं, कितना दिया कितना मिला नहीं, ये तो तामसिक बुद्धि का लक्षण है। इसलिए निर्मल मति जहां है वहां अनुष्ठान के प्रति आग्रह है, जप के प्रति आग्रह है, पूजा के प्रति उत्साह है, श्री विग्रह का, मेरे आराध्य का दर्शन करना है, यज्ञ करना है, संत भोग लगाना है, होम करना है, यज्ञ करना है, पाठ करना है, हनुमान चालीसा को पढ़ना है, जप करना है, स्वाध्याय करना है, व्रत करना है। आज तपस्वी होकर जीना है, आज त्यागी होकर जीना है, आज सन्यासी होकर जीना है, आज अपरिग्रही होकर जीना है, आज अनिकेतन होकर जीना है, आज बिना मोबाइल और मनी के जीना है, आज बिना साधनों के जीना है। अगर कोई भी साधन नहीं है तो भी क्या मेरे सुख मेरे आनंद में कुछ बाधा है? सब लुट जाए, सर्वस्व लुट जाए, उसके बाद भी मेरा चित्त सात्विक भावों से भरा रहे, संभव है जिसके पास निर्मल मति है। जो पदार्थों के लिए व्याकुल होती है बुद्धि, जो वस्तुओं के लिए आकुल होती है, जो व्यक्तियों के लिए बेचैन होती है, जो किसी खास परिस्थिति का आग्रही होती है बुद्धि, अनुकूलता हो तो मेरे ही अनुकूलता, सब नाचे मेरे इशारे पर, ये वितान चले, ये आसमान चले, ये धरती चले, ये तारे चले, ये सितारे चले, ये नदियों का प्रवाह चले, लेकिन सब मेरे इशारे पे चले, ये तमस से भरी बुद्धि का लक्षण है। और ऐसी बुद्धि का स्वामी कभी सुख नहीं पा सकता। निर्मल मति जिसकी हो जाती है वो कहते मैं अनुकूल हो जाऊं सितारों के, चंद्रमा के, सूरज के, आसमान के, धरती के, धरित्री के, हरितिमा के, अपने बड़ों के, अपने गुरुजनों के, उनकी आज्ञा से चलूं, उनके इशारे को उनकी आज्ञा समझूं, उनकी इच्छाओं का आदर करूं और उसके लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर करूं। ऐसी भावनाएं जिसमें बलवती होती हैं, समझ लीजिए वो मति निर्मल मति हो गई है, वो मति धन्य हो गई है। कौन है वो मति? हाँ है वो। चलो मैं आपको अयोध्या ले चलूं। आप कहोगे दीदी माँ हम तो मथुरा मंडल में हैं, अगर सप्तपुरियों की जो है पवित्रता गिनोगी तो वहां काशी है, अवंतिका है, अयोध्या है, किंतु मथुरा भी तो है, मथुरा मंडल भी तो उतना पवित्र है। हाँ अयोध्या की पवित्रता अद्भुत है, मथुरा मंडल की भी पवित्रता अद्भुत है, लेकिन और मैं कहूंगी तुम अयोध्या जा रहे हो मथुरा जा रहे हो,
अरे तुम तो अयोध्या में ही हो, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुर योद्धा। क्या है आपके पास? आप कहां बैठे हो? अयोध्या में ही तो बैठे हो, अष्ट चक्रा नवद्वारा। कितनी आंखें हैं आपकी? दो है ना, और दो कान हैं, नासिका के दो छिद्र हैं, और क्या है आपके पास? हाँ? मुख है, मलमूत्र के द्वार है, अष्ट चक्र नव द्वारा, देवा नाम, और देवता कहां विराजे हैं? आपकी आंखों के देवता सूर्य हैं, आपके कर्ण के देवता दिक हैं, आपकी त्वचा के देवता वायु हैं, आपकी नासिका के देवता अश्विनी हैं, आपकी जीभा के देवता वरुण हैं, और आपकी वाणी के देवता अग्नि हैं, आपके हाथों के देवता इंद्र हैं, आपके पैरों के देवता विष्णु हैं, और आपके मन के देवता चंद्रमा हैं, और आपकी बुद्धि के देवता ब्रह्मा हैं। आप अयोध्या में ही विराजमान हैं, आपकी काया की अयोध्या। विचार कीजिए, देवताओं को लेकर चलते हो आप, देवता की पूजा तो करनी चाहिए, पर देवताओं की कृपा से ही देख पाते हो, सुन पाते हो, बोल पाते हो, वाणी को सात्विकता मिलती है, शब्द मिलते हैं, शब्द अर्थ से युक्त होते हैं, फिर सात्विक शब्द मिलते हैं, हाथ सेवा के लिए तत्पर होते हैं, चरण उठते हैं, जब चलते हैं ऐसी भाव से कि वही जहां खड़े होते हो तीर्थ चलकर वहां आ जाता है, ऐसी पवित्रता, ऐसी पावनता इस काया के अंदर। लेकिन अगर भूले तो फिर क्या है? फिर यही काया क्या है? धू धू कर जलने वाली क्या है? कौन जलता है धू धू करके? दोनों संभावनाएं हैं। अगर स्वर्ग की संभावना है तो नरक की भी संभावना। क्रोध में उन्मत्त, ईर्ष्या से भरा हुआ, देश से भरा हुआ, भ्रांतियों का पिटारा लेके चलने वाला, शक संदेह करने वाला कौन है? अयोध्या में थोड़ी है, धू धू करके जल रहा है, लंका बना के बैठा है अपने आप को, भूल ही गया जीवन की विधा क्या है, जीना कैसे है, जीवन का सर्वोत्कर्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए चूक ना मत। फूल और कांटे दोनों हैं, तू बैठा जिस डाल पर, ओरे पंची मना संतुलन रखना जरा संभाल कर, ये मन अभी नारकीय यातना दिला देगा, और ये मन अभी स्वर्गीय आनंद का स्वाद चखा देगा। तो चलो बना लो ना अपने मन को अयोध्या, मन को वृंदावन, मति को गौरी शंकर, और फिर हृदय के दक्षिण भाग को अयोध्या बोलते हैं, और हृदय के बाम भाग में माथुर मंडल है, और ये आपका जहां टीका और तिलक लगाते हो, जहां आज्ञा चक्र है, वो काशी है आपकी। विचार कीजिए, जब देवालय जाते हो तो इस बात का ख्याल रखते हो कि अपवित्र अशुचिता भरे शरीर को मन को लेके मंदिर नहीं जाना, वहीं पर प्रसाद खाके वहीं नहीं गिराना, मंदिर के प्रांगण में खाना नहीं है, और नीचे से वायु का त्याग नहीं करना, अनर्गल बोलना नहीं है, फालतू बातें नहीं करनी। आपके बनाए हुए मंदिर में इतना ख्याल रखते हो, वहां की पवित्रता का ख्याल रखते हो ना, लेकिन ठाकुर ने जिस काया के मंदिर को बनाकर स्वयं इसमें विराजमान हो गया, उस मंदिर की पवित्रता का ख्याल कौन करेगा? कौन करेगा? इस काया के देवालय की पवित्रता। आप लोग गाते हो ना, नारायण नारायण नारायण, बंगला जब बनया महाराज जा में नारायण बोले, इस सांसों में चल रहा है नारायण 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 नारायण। तो ये काया की महिमा समझिए, और ये नवरात्रे है, शारदीय नवरात्रे, अपने इस काया के देवालय को पवित्र करने का अवसर आया है।
जरा पवित्र करो, जरा आंगन को बहार लो, जरा देख लो यहाँ पर झाड़ी झंखाड़ तो नहीं उगाए। बहुत दिनों तक जब अपना ही मकान नहीं देखते हो ना, तो छतों पे झाड़ी झंखार उगाते हैं ना, कांटे पैदा हो जाते हैं, जालियां पैदा हो जाती हैं, जटिल जंजाल बन जाती है, फिर उखाड़ने लगते हैं तो हाथ छिल जाते हैं। ऐसे ही कहीं हृदय की जमीन पर संशय की झाड़ियां तो पैदा नहीं हो गई। अंतर झांक के देखो, साधना के पहले आत्मनिरीक्षण जरूरी है। आत्मनिरीक्षण, दूसरे का पोस्टमार्टम करने में तो बड़े शेर हो, अपने आप को तो देख लो कि कहाँ टिके हो, कहाँ खड़े हो, चित्त की दशा क्या है।